सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैं ये सवाल आप लोगों से रोज़ पूछती हूँ, तो आप लोगों को बताना है आप लोग ठीक ठाक हैं, घर के अंदर रहते हैं और अपने माता पिता की सारी बातें मानते हैं, पढ़ाई मन लगाकर करते हैं या नहीं, तो ये सब मुझे बताइए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई ही है, ठीक है? इसलिए आप लोग मन लगा करके पढ़िए और अपना अपना नोटबुक बुक पेंसिल इरेज़र निकालिए। आज पढ़ना है, पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 32 पढ़ा था, आज पेज नंबर 33 पढ़ेंगे, जिसमें है एक प्यारी सी कविता, उसका नाम है होली की टोली। ठीक है, चलिए निकालिए। तो 33 नंबर, पेज नंबर 33। चलिए और लिखना शुरू करती हूँ मैं, आप लोग भी अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। कविता का नाम है होली की टोली। एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें जो शब्द हैं इस कविता में, वो ज़्यादातर ओ की मात्रा वाले शब्द हैं, ठीक है? चलिए, आज पहले मैं एक बार पढ़ लेती हूँ फिर लिखती हूँ। आज होली है, लोगों की टोली आई, गुलाल व रोली लाई, सबको रंग लगाने आई, मोती का तोता भी बोला, मेरी बोली मीठी है, मुझको होली भाती है, टोली ने तोते को भी रोली लगाई, मोती अखरोट दाल मोट समोसे लाया, खटोले पर बैठकर सबने भोजन किया, दोपहर को जोर से ढोलक बजाकर नाचे। ठीक है, बहुत ही प्यारी कविता है ये। चलिए पहले लिखते हैं फिर इसे पढ़ेंगे। आज होली है, लोगों की टोली आई, गुलाल व रोली लाई, गुलाल व रोली लाई, सबको रंग लगाने आई, सबको रंग लगाने आई, मोती का तोता भी बोला, मोती का तोता भी बोला,
मेरी बोली, मैं इधर लिखती हूँ बच्चों, आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा। मेरी बोली मीठी है, मेरी बोली मीठी है, मेरी बोली मीठी है। फिर मुझको होली भाती है, मुझको होली भाती है। टोली ने तोते को भी, टोली ने तोते को भी टोली ने तोते को भी रोली लगाई, रोली लगाई। मोती अखरोट, मोती अखरोट, दाल मोट, समोसे लाया, खटोले पर बैठकर सबने भोजन किया, दोपहर को रोज जोर से ढोलक बजाकर नाचे। ये लिखने का तो जगह नहीं है। चलिए, दोपहर को जोर से ढोलक बजाकर नाचे, ये मैं बाद में लिख दूंगी, वैसे मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। जो मैं लिखी हूँ इसको आप एक बार लिख लीजिए, फिर मिलाएंगे हम। चलिए, तो ये कविता आप लोगों ने लिख ली, बहुत अच्छे। अब इसे पढ़ेंगे और समझेंगे इसके बारे में। होली की टोली, सबसे पहले बच्चों, होली मतलब होली का त्यौहार आता है तो आप लोग बहुत खुश होते हैं और होली खेलने जाते हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ना, होली खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या है कविता, आज होली है, ठीक है। लोगों की टोली आई, होली में लोगों की टोली आई मतलब बहुत सारे लोग, लोगों का ग्रुप समूह आता है उसी को हम बोलते हैं, क्योंकि अकेले तो हम होली खेलते नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं। बच्चे अगर हैं तो बहुत सारे बच्चे के साथ, बड़े हैं तो बहुत सारे बड़े एक साथ जमा होते हैं, वो एक साथ
मिलकर के होली खेलते हैं। इस तरह से लोगों की टोली आई, गुलाल व रोली लाई। वो लोग क्या लाए? लोगों की टोली जो आई थी वो गुलाल व रोली लाई। गुलाल मतलब अबीर पाउडर जिसे लगाते हैं ना, व रोली लाई, रोली जिससे तिलक लगाते हैं, ठीक है। फिर सबको रंग लगाने आई, गुलाल व रोली लाई, सबको रंग लगाने आई और रंग भी लगाने आई, ठीक है। मोती का तोता भी बोला, मोती जो थी उसके पास एक तोता था, वह तोता क्या बोलता है? मेरी बोली मीठी है। तोता बोलता है मेरी बोली मीठी है। फिर मुझको होली भाती है। देखिए तोता भी बोल रहा है कि मेरी बोली मीठी है और मुझको होली भाती है, यानी तोता को भी होली अच्छा लगता है खेलना। फिर क्या है, टोली ने तोते को भी रोली लगाई। जो लोगों की टोली आई थी वो भी तोते को रोली यानी कि तिलक लगाया, चंदन, ठीक है, तोते को रोली लगाई। फिर मोती अखरोट दालमोठ समोसे लाया। मोती जो था वो अखरोट दालमोठ और समोसे लाया खाने के लिए सारे लोगों के लिए, क्योंकि होली जब हम खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रकार के व्यंजन बनाते हैं खाने की, तो उसमें हम सब एक दूसरे को खिलाते हैं, खाते हैं, बहुत मज़े करते हैं, ठीक है ना। फिर तो मोती क्या क्या लाया, अखरोट दालमोठ और समोसे। फिर खटोले पर बैठकर सबने भोजन किया। वो लोग कहाँ भोजन किए? खटोले पे बैठ के, खटोले यानी खटिया पे, ठीक है, उस पर बैठ करके सारे लोगों ने भोजन किया। फिर दोपहर को ज़ोर से ढोलक बजाकर नाचे। दोपहर जब हुई तो सारे लोग जो थे, लोगों की टोली, वो ढोलक बजा करके नाचे गाए और बहुत मस्ती किए, उसी में होली खेले। तो होली के त्योहारों में ऐसा होता है ना, जो हम लोग सुबह से होली खेलते हैं और फिर दोपहर के बाद सारे जो बड़े लोग होते हैं वो एक दूसरे के दरवाजे पर जा कर के ढोलक बजाते हैं और गाना गाते हैं, नाचते हैं। तो इस तरह से होली बहुत ही अच्छा त्यौहार है जिसे हम सब अपने देश में मिलकर बहुत ही प्यार से मनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रही होली की टोली कविता के बारे में। चलिए तो हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी कविता है, ठीक है। बाय बच्चों।